एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के ताजा मौसम समाचार में। आपको बता दें मौसम को लेकर अभी अभी यूपी से एक बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही कि यूपी वेदर अपडेट। उत्तर प्रदेश में गर्मी और धूप से मिलने जा रही है राहत, दो दिन अब फिर होगी भारी बारिश। तो चलिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें अब गर्मी से राहत मिलेगी और किन किन जिलों में भारी बारिश होगी। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि मानसून का सीजन पीक पर है और कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। पहाड़ों पर तेज बारिश से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मुंबई में बारिश से जगह जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने यूपी समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। IMD के अनुसार अगले दो दिनों तक कोकण, मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों, गुजरात में भारी बारिश होने वाली है। इसके बाद इसमें कमी आएगी। इसके अलावा तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ और उड़ीसा में आज भारी बारिश होगी। वहीं पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश होने की फिर संभावना है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में मौसम ने ऐसे करवट ली है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले बारिश के कारण लोग परेशान थे, अब तेज धूप और उमस ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। सावन के महीने में आपको बता दें कि जहां बारिश की उम्मीद होती है, वहीं लोगों को तेज धूप और उमस का सामना करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है, लेकिन अच्छी बारिश होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में अब आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो यूपी के दक्षिणी भाग की ओर बड़ी मानसून ट्रफ की वजह से प्रदेश में बारिश थमी है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार आपको बता दें कि ओडिशा तट पर बन रहे कम दबाव के क्षेत्र का असर है कि अपनी नॉर्मल स्थिति से दक्षिण की ओर मानसून ट्रफ खिसक गया है। मानसून की रास्ता बदलने से इस तरह मौसम में अचानक ही बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें वैसे ये बदलाव अधिक दिन नहीं रहने वाला है, बल्कि आपको बता दें कल से पश्चिमी यूपी में मानसून दोबारा एक्टिव होगा और आपको बता दें कि 3-4 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है। गंगा के मैदान में फिलहाल मानसून ट्रफ को होना चाहिए। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आपको बता दें यहां नहीं आ सका, जिससे यूपी में मानसून कमजोर हो गया। वैसे अचानक से आपको बता दें बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 5 से 10 मिनट की छिटपुट बारिश होने की संभावना कहीं कहीं है। लेकिन आपको बता दें कुछ जिलों में अचानक मूसलाधार बारिश हो सकती है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तरी हरियाणा और चंडीगढ़ में आपको बता दें दो दिनों तक यहां भी भारी बरसात होने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान में दो दिनों के बीच यहां भी भारी बारिश होने वाली है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी आपको बता दें दो दिनों बाद बारिश होगी, जबकि उत्तर प्रदेश में दो दिनों के बाद तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। मालूम हो कि यूपी के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से तेज धूप और गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। 2-3 दिनों तक बारिश होने के बाद फिर इसके बाद इसमें कमी आएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के बाद केरल, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यमन और तेलंगाना में भी अगले 5 दिनों तक बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजेतरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।